मैं इस वक्त बांबला में मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे है। आप देखेंगे कि ये यहाँ पर जो है वो तबाही का मंजर किस तरह से हुआ है। यहाँ पर कल देर रात को जो है वो जोरदार बारिश हुई है और उसके कारण भूस्खलन हुआ है, जिसमें ये गाड़ी जो है वो इसकी चपेट में आई है। और बताया जा रहा है कि कई गाड़ियां जो है वो इसके मलबे के नीचे जो है वो फंसी हुई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये ट्रक है जिसका नंबर JK02BQ5347। ये ट्रक जो है वो उसकी चपेट में आया है और देख सकते हैं आप लोग जो है वो किस तरह से इसे जो है वो बाहर निकालने के लिए खुदाई में जो है लगे हुए हैं। कई लाखों रुपए का नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है और कई गाड़ियां जो है वो उस मलबे के नीचे दब चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनका कहना था कि एक बार पहले यहाँ पर स्लाइडिंग हुई थी, लगभग 20-25 साल जो है वो पहले यहाँ पर स्लाइडिंग हुई थी, लेकिन तब इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना नुकसान जो है वो अब हुआ। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये ट्रक आप देख सकते हैं और ये दुकान भी जो है वो पूरी तरह से, ये पूरी दुकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। और इसके नीचे जो है वो, उस मलबे के नीचे जो है वो बताया जा रहा है कि कई गाड़ियां जो है वो उसकी चपेट में आ गई हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये रोड जो है वो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे है। मेरे सहयोगी जो है वो आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये गड्डी, क्या नाम है तुम्हारा? चुन्नी लाल। स्लाइडिंग जी हुई है, कल भूस्खलन होया है, किन्ना नुकसान होया तुम्हारी दुकान है? इतने रहा कुछ नहीं जनाब, स्कूटर रुड़ी है, दो भांडे रुड़ी है, सिलेंडर रुड़ी है, रहा गया है। जी जी, के राती के बारिश हुई, किन्ने बजे करीब बारिश हुई? डेढ़ बजे। तो इधर क्या है? नहीं मीन है सर। तो क्या पता चला कि नुकसान? अच्छा, रात इधर होने दे, कोई नुकसान नहीं हो? जब तक बच्चे बुच्चे नहीं, वो बचा हुई है, स्कूटर रोड़े अंदर भी, और स्कूटर ही जा थमा देते वो भी रुड़ गए। इन्नी बरखा हुई है, मारे के कराए सवेरे भी पूरा रोड भरे था ज्यादा। जरा ट्रक है जरा पूरा चपेट बच्चा आया था, ये कुंदा ट्रक है? ये ट्रक इंदा पहले लगे इधर राती पता नहीं है, 12 बजे तकरीबन। अच्छा, इधर लाया राती बारिश हुई है, इधर चपेट बच्चा आई है। क्या कहना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कारण होया कि जेड़ा स्लाइडिंग इतने इन्ना नुकसान होया? कहते पहले होता है? आज तो नहीं है, गया जाए। अच्छा, दसा 20-25 साल के बाद पहले हुई? हमारा बिल्कुल नहीं होया, साढ़े ही नहीं है स्लाइड। क्या कारण है सर, क्या कारण होया कि? कारण जनाब यही है कि पुलियां नहीं लौकी लौकियां। अच्छा, ते मलबा लगी जांदा ते मल। अच्छा, मतलब तो साख रहे हो कि पुलियां जड़ी नवी बनाई है, निकी निकी बनाई है, पानी जेड़ा क्या आंदा जेदे कारण पानी निकलिया नहीं और नुकसान हुई है? नुकसान हुई। ठीक है, जो एक्स सर्विस एक्स सरपंच है हमारे साथ बांबला के साथ बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? तो बलीबांती इस इलाके को जानते हैं, तो क्या कारण है? स्लाइडिंग तो हुई है, बताया जा रहा है कि स्लाइडिंग हुई है, ट्रक जो है उसकी चपेट में आके कई गाड़ियां चपेट में आई है, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं डोगरी बोल रहा हूं, गल है कि ये जरा सारा जरा सारा सारा जरा शहर जाता ना, जरा ये जी मेहरबानी है, ये है NH कंस्ट्रक्शन जी, इन्हें इतने निक्के निक्के पुलियां बनाईया और बार बार असें इन्हें आख्या भाई उपरू बड़ा पानी आता है, इतना तुम मौके चलिए तो पुल दिखी सकते हो, वो मात्र निकी हरी बारिश हो तो भी पानी नहीं जाता है। बाकी है कि जो निके पहले इतने क्यों होंदा हा, जदों तो अस संभालिया दिखा दे, पहले इतने डिवर्शन टाइप होंदा हा कि किस पानी सारा का सारा पानी उपरू जिन्ना होंदा चली जाता हा, उसके बाद थले पाइपां पैदा होंदियां, किस पानी थलू जाता किस उपरू जाता हा। इन्हें क्या किया कि जी पुली बनाई है, ओर उपर उन्हें अपनी एक बार भी लाउड़ी है, जेड़ा मलबा आया उसे रुकी आ, जेड़ा मलबा मतलब पानी क्या आया ते पुली निकी है या और जिया वो बंद होया, जो बूटे बाटे जो पत्थर बसे न, वो जो पानी ने जो सारा रोखा इधर आने लगा। जल इधर था इंदा साढ़े जो बजुर्ग चुनी लाल और इंदा बड़ा बेटा जीत और वो इतने ही राती वो आते मेरे सामने आले, वो आते मेरे ये सामने वाली दुकान है ये जी टूटी जारी, उन्हें गल आखी कि अस मैं इतने सुते रहा हाँ, जल्द भी शेड आई और वो बेचारा सारी रात ना वो पाए पगड़िया भट्ठी पर बैठा रहा। अच्छा, ओ बाद जिया सवेरे होया जेडे NH कंस्ट्रक्शन आले ना
ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੀ ਕਿ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਵਿਆਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ CSS ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਪੁਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਟੋਟਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੂ ਜੀ ਜੀ ਤੁਮ ਆਪ ਬਤਾ ਦੂ ਜਿਨਕਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤ ਕਰੇਂ। ਸਰ ਆਪ ਇਨਕੇ ਮਾਲੀ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੂੰ। ਗਾੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਭਈਆ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਥਾ? ਕਬਲ ਟਰੱਕ ਲਗਾਇਆ ਥਾ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੋ ਲਗਾਇਆ ਥਾ, 1:48 ਮਿੰਟ ਮੇਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰਸ਼ ਆਈ ਥੀ ਸਾਈਡ ਪੇ ਲਗਾ ਦਿਆ, ਇਧਰ ਲਗਾਈ ਥੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਧਰ ਗਏ ਥੇ, ਉਧਰ ਸਲੈਟਿੰਗ ਆਈ, ਉਧਰ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾਈ ਗਾੜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਧਰ ਲਗਾ ਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਕੋ ਜਕਦਮ ਹੀ ਸਲੈਟਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਹਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਜਕਦਮ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ। ਭਈ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਾਲਿਕ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਭਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਲੋਡ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਕਿਸ ਵੀ ਕਿਆ ਰੱਖਾ ਇਸਮੇ? ਪੀਓਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਕਾ? ਕਿਆ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਡੈਮੇਜ ਹੈ, 16.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਜੈਸੀਬੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਖੁਦ ਲਗੇ ਹੈ, ਖੁਦ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੈਸੀਬੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿਤਨਾ ਨਿਕਾਲੂਗਾ? ਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰਗੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਕੇ ਸਾਥ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਧਰ ਸੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਸੇਮ ਐਸੀ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨਕਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ, ਸਾਥ ਮੈਂ ਹਮਾਰਾ ਇਧਰ PHC ਹੈ BC ਨਾਲਾ, ਤੋ ਉਧਰ ਸੇ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਆਪਣਾ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, PHC ਕੀ ਪਾਣੀ ਕੀ ਜੋ ਪਾਈਪੇ ਥੀ ਵੋ ਵੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ? ਅਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ ਆਏ ਹੋਗੇ? ਬੋਲ ਰਹੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਭੀ ਮੈਂ ਉਨਸੇ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਵੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਂ, ਦਿਖਾ ਹਮੇਂ। ਵੋ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਥ ਹੀ ਇਧਰ ਸੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਭਾਂਬਲਾ ਕੀ ਤਰਫ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਵਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪਹੁੰਚੇਂਗੇ, ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਗਾੜੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਲਵਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਅਭੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲਾ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰ, ਇਹ ਗਾੜੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਇਨਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੋ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਹਮੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਖੋਲਾ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਥਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਾ। ਉਹ ਜੈਸੀਬੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਪਾਈਪ ਵੀ ਉਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੀ ਰਸਤੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰਗੀ, ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇਹ ਤਸਵੀਰੋਂ ਮੇਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਤਬਾਹੀ ਕਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆਪ ਦੇਖੇਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਭੂਸਖਲਨ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲੇ ਕਾ ਜੋ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਥਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਮ ਜੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਂ ਪਰ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ ਉਸਕਾ ਬਹਾਵ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਥਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਖੇਂਗੇ ਆਪ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਬਾਹੀ ਕਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕੁਛ ਖੋਫਨਾਕ ਹੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਸਕੀ ਚਪੇਟ ਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਸੇ 3 ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਸਕੀ ਚਪੇਟ ਮੇਂ ਆਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਤਸਵੀਰੇ ਆਪ ਦੇਖੇਂਗੇ ਜੰਮੂ ਪੁੰਛ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕੀ ਜਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸ਼ਤੀਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਲਬਾ ਪੂਰਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟਰੱਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ 18-20 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸਕਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜਿਨਕੀ ਜਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਵੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਸਮੇਂ ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ POP ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਸਮੇਂ ਡਾਲੀ ਗਈ ਥੀ ਲੇਕਿਨ POP ਪੂਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਸੇ POP ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪੂਰਾ
इसकी चपेट में आया है और ट्रक जो है वो देख सकते हैं आगे आप कितना कितना जो है वो इसके स्लाइडिंग के चपेट में आ गया, यानी कि आधे से ज्यादा ट्रक जो है वो जमीन में धस गया। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रियासी जैक न्यूज के माध्यम से, वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और तहसीलदार पौनी साहिल रंधावा जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनकी जो है वो सरकार की तरफ से कुछ मदद की जाए। और ये खाने पीने का सामान है कुछ, ये देखेंगे ये भी जो है वो पूरा ये भरा हुआ है, ये राजमा और दाल जो है वो मां चने की दाल जो है वो ये देखेंगे आप पूरी खराब हुई है। और ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप ये जो दुकानें बनाई गई हैं, हालांकि ये कच्ची दुकानें हैं पत्थर की बनी हुई हैं, लेकिन ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो बाहर का पोर्शन है ये भी पूरा निकल चुका है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये पानी आया कहां से, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सरपंच रशपाल जी, ये पूरे दृश्य जो है वो आपको दिखा रहे हैं। ये दुकान थी यहाँ पे, किसका काम चलता था? हाँ जी, किसका काम था? मक्की के टोटे बनते थे, मशहूर थे यहाँ, बहुत मशहूर, जो पंबला अगर मशहूर है मक्की के टोटे के नाम से दुकान। जी जी, ये ऊपर बना हुई बनी हुई है सरकारी बिल्डिंग है, किसकी? ये पीएचसी का स्टेशन, ये ठीक है, ये ठीक है। तो देखिए ये जहाँ से ये नाला जो है वो आता है, पहाड़ी क्षेत्र है और जगह जगह जो है वो थोड़ा थोड़ा नाले जो है वो रहते हैं, तो इतना इतना पानी आ रहा है, समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी भूस्खलन जो है वो किस तरह से हो गई है। ये देखेंगे आप, इस तरह से जो है वो नाला आता है और उसी तरह से पानी जो है वो कल रात को इतनी बारिश हुई और एकदम से जो है वो फ्लड वगैरह आ गया। और इनका कहना है कि वहां से जो नाली बनाई गई है वो बहुत छोटी है, यानी कि बहुत कम है और पानी ज्यादा था और उसका जो मुंह है वो काफी छोटा था, जिस कारण जो है वो ये स्लाइडिंग हुई है और उस कारण से ही ये दुकान को नुकसान हुआ है। एक ट्रक जो है वो उसकी चपेट में आ गया और कई छोटी गाड़ियां जो है वो उसकी चपेट में आ गई है। तो ये पीएचसी की पाइपें मैं आपको बता दूं कि ये भी क्षतिग्रस्त हो गई है, काफी ज्यादा टाइम लगेगा अब इसको जो रिपेयर करने के लिए या फिर से इसको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, तो काफी ज्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पीएचसी के जो जय साहब हैं अत्री साहब वो मौके पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मुआयना करने के लिए कि कितना नुकसान हुआ कितना नहीं, लेकिन पानी से भी लोगों को जो है वो वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि इसको इस काम को करने के लिए टाइम लगेगा। अच्छा नई पाइपें डली हैं, अब इसमें पानी नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा जल शक्ति विभाग बैक साइड जा रहा था, हमारे गम था उधर करोन गन्नी टंक में जो पानी जा रहा था। अच्छा नई स्कीम है वो चल रही थी, जो पस्या आई पूरा रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया, बहुत पुराने रास्ते हैं खत्म हो गए, अभी जाने आने में बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है, ये हमारे साथ सरपंच जी हैं अनिल शर्मा जी बांबला से हैं। फरहान साहब, क्या इतनी बड़ी अनहोनी हो गई है, इतनी बड़ी स्लाइडिंग हुई है, तो क्या लगता है आपको क्या कमी रह गई, किसका नुकसान हुआ ज्यादा सबसे? एक तो ट्रक जो है उसकी चपेट में आ गया। देखिए रात को जो बारिश हुई है मेरे ख्याल में अपना पहाड़ी के इस पार और दूसरी साइड दोनों साइड एक ही हालत हुई है, तो हमारा जो एरिया जो है जहाँ से कम कोई 500 मीटर का एरिया जो है वो इसके मतलब के घेरे में आ चुका है। तो जैसे ही हमें सुबह पता लगा तो मैं 7:30 बजे तकरीबन यहाँ पे पहुँच चुका था मौके पे, मेरा देखा दो स्कूटर जो है वो मिलने दिखाई नहीं दे रहे हैं और गाड़ी जो है वो आपने देखा है पूरी डैमेज हो गई है, डैमेज हो गई है, पाइपें शाइपे जो सब कुछ, और जल शक्ति विभाग को भी काफी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, ये पूरी पाइपें डैमेज हो चुकी है, वो महकमे वाले भी अभी आ चुके हैं। तो बड़ी बात यह है कि ये होटल वाले जो है हमारे इनके दुकान से पानी, इनके सिलेंडर, इनके यूटेंसिल्स, इनके फर्नीचर जो है वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो जब से क्या मांग रहे हैं हमारे, मैंने सुबह जैसे ही जहाँ पे पहुंचा तो मैंने वर्दी डिप्टी कमिश्नर रियासी विशेष पाल महाजन जी को जिस पूरे फोटो और वीडियो बना के भेज दिया है, तहसीलदार पूनी को भेज दिया, अभी बैरिस जो है हमारे नायब तहसीलदार अभी अभी 5 मिनट के अंदर पहुंचने वाले हैं। तो इससे ये तो एक जहाँ का हादसा हुआ, दूसरा हादसा हुआ वो अपर बामला वार्ड नंबर 11 में, जो कि पूरे बाढ़ का जो है वो पूरे बामला विलेज का जो है वो मेन हब है वहाँ पे हुआ है। अधिकारी भी आ गया, तहसीलदार जी भी आ गया। सर सबसे पहले पीएचसी के जो अत्री साहब जी हैं, सर जैसा आप तो मौके पे पहुंच गए हैं, कितना बड़ा नुकसान जो है वो आपको हुआ है?
हमारे पीएचई की तो मेन जो राइजिंग मेन है हमारी जो मेन ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूशन है मैक्सिमम डैमेज हो चुकी है इसमें और पानी इस भाई इसमें टोटली बंद है, बंद हो जाएगी, बंद है। कितना टाइम लग जाएगा सर? अभी हमें सीनियर सर एडब्ल्यू सर हमारी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि डाटा पूरा कलेक्ट करके लाओ, हम उसी डैमेज रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके फर्दर जो एक्शन होगा इमीडिएटली करेंगे। जी जी, लोगों को क्या लगेगा सर इसमें पानी अभी चल रहा था कि ये नई स्कीम से? नहीं नहीं, कुछ इसमें पानी पाइपें डैमेज हुई है, कुछ जेजेएम में जो हमारा काम चल रहा था कुछ पाइपें हमारी वो डैमेज हुई है। तो जो जेजेएम में डैमेज हुई है कंट्रेक्टर हमारे साथ आए हुए हैं, हमने बोला इमीडिएटली इसको स्टोर करने के लिए विद इन डे हम इसको स्टोर कर देंगे। ठीक है सर, तो मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। पीएचई के ये साहब अत्री साहब भी जो है वो यहाँ पर मौके पे पहुंचे और तहसीलदार रंधावा भी यहाँ पर मौके पे पहुंच चुके हैं। जो अपर बांबला वार्ड नंबर 11 जो हब है, मैंने आपको बोला वहाँ पे जो हमारी रोड थी आरडीडी द्वारा रोड बनाई गई थी, वो रोड जो है वो टोटली मतलब के डैमेज हो चुकी है। वो आरडीडी की रोड थी और एक वहाँ पे नई पुली जो है वो बनने जा रही थी वो भी खत्म हो चुकी है, एक पुली पुरानी थी वो भी खत्म हो चुकी है, टाइल वर्क हुआ था हमारी पहले पंचायत के मौके वो उसकी जो रस्ट वाल है वो टोटली खत्म हो चुकी है और लोगों के घरों के अंदर में पानी जा चुका है और मुझे लगता है कि अब वो रोड जो है वो लोग जो है वो रोड से टोटली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ नेशनल हाईवे से अपर बांबला की जो रोड है कम से कम उधर जो खर्चा जो है 60-70 लाख रुपए का अरेंजमेंट होगा तो जो है रोड बनेगी। मैं वर्दी आपके माध्यम से वर्दी डिप्टी कमिश्नर रियासी जनाब विशेष पाल महाजन जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपर मामला में जो नुकसान हुआ है रोड खासकर जो डैमेज हुई है वहां पे फोकस किया जाए, हमें वो रोड जो है वो तुरंत जो है वो बना करके दी जाए और वो रोड जो है वो हैंड ओवर की जाए पीडब्ल्यूडी के, ऐसे वो छोटी मोटी एजेंसी उसको हैंडल नहीं कर सकेगी। धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा नुकसान हुआ और तहसीलदार पौनी साहिल रंधावा जो है वो यहाँ पर मौके पे पहुंच गए हैं क्योंकि आज व्यस्त थे, आज स्वतंत्रता दिवस की जो है सभी तैयारियों पे लगे हुए थे और मौके पे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मकान थोड़े डैमेज हुए ये कमर्शियल स्ट्रक्चर है, ये पीएचई का वो पाइप है, इनका बना लो सामान नहीं दुकान तो इसी का नुकसान हुआ है सामना लग रहा है, ये रिपोर्ट पाई हुई है। झील वाला तो टोटली वो स्लाइड हुआ है यहाँ पे मेन सोर्स है जो बीसी वाला जिसका लैंटर भी टूटा, लैंटर भी टूट गया सर, पाइप पे तो काफी रूढ़िया है, काफी बारिश हुई है हमारी। चलो जी मेन ये है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, सबसे बेटर ये है कि थोड़ा इस तरफ ज्यादा आ जाती है गिर जाते हैं, एटलीस्ट नाले में ही फ्लो निकला है इसका, ये है मेन पुली छोटी थी शायद इस वजह से ये बड़े लॉक्स नहीं आ पाया तो दिक्कत नहीं सेम सर दूसरी साइड भी हुआ अपर बांबला गांव में वो तो रोड टोटली खत्म हो चुकी है मकान है या पानी चली अंदर किचन सारा रोड जस फुट सर जरा 10 फुट रोड है ना वो 50 फुट सेम ही है। रंधावा जो है वो मौके पे पहुंचे हुए हैं और घटनास्थल पर जो है वो जायजा लिया जा रहा है और इनके द्वारा कहा गया है कि जो मुआवजा है
जो नुकसान हुआ है वो बना दें, तो उसके बाद जो है वो जो इनकी मदद हो सकती है वो सरकार की तरफ से जो है वो मदद की जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूंगी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के बिल्कुल समीप जो है वो हम मौजूद हैं, और जहाँ पर जो है वो इतनी बारिश स्लाइडिंग हुई है, एक ट्रक जो है वो उसकी चपेट में आ गया, हमने पहले भी आपको दृश्य जो है वो दिखाए हैं, उसके बाद तीन चार दो पहिया मोटरसाइकिल और स्कूटी शायद इसके बीच में जो है वो दिख रही नहीं रही है, और इनका कहना है कि इसके बीच में ही जो है वो फंस चुकी है। फिलहाल ये तस्वीरों में आप देखेंगे कि ये वो नाला है, और ये पीएचई की पाइपें हैं, पीएचई के जय साहब जो अत्री साहब हैं वो भी वहां पे मौके पे पहुंचे हैं, और काफी ज्यादा नुकसान जो है वो सरकार का भी हुआ है, यानी कि जो पीएचई की पाइपें हैं जिसमें पानी जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचना था, उसमें भी जो है वो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये काफी ज्यादा मशहूर जो है वो ये दुकान थी जिसमें देसी जो टोडा है वो बनाया जाता था, ये कह रहे हैं, और इसमें नुकसान हुआ है, और मौके पे ही अधिकारी जो है पहुंचे, यानी कि तहसीलदार पौनी साहिल रंधावा जो है वो मौके पे पहुंचे हैं, और ट्रक जो है वो इसकी चपेट में आए हैं। फिलहाल ये देखेंगे आप तस्वीरों में, प्रयास करवा रहे हैं कि आप जो है वो देखें इस तस्वीरों में कि किस तरह से जो है वो ये नुकसान हुआ। और ये मेन रोड है जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे, आप सब लोग जो है वो अगर जहाँ से गुजरे होंगे तो आप बड़ी बात जो है वो इस क्षेत्र को जानते होंगे कि ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रक जो है वो उसकी चपेट में आया, और उसके अंदर जो है वो पूरा मलबा जो है वो निकल चुका है, और हाथों से बेचारा जो इसका चालक है वो जो है वो उसको निकाल रहा था, और बताया जा रहा है कि इसके बीच में जो है वो पीओपी डाली हुई थी। फिलहाल लोग जो है वो मांग कर रहे थे कि कुछ राहत सामग्री जो है वो सरकार की तरफ से दी जाए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये दृश्य आप देखेंगे रियासी जेके न्यूज़ के माध्यम से, जहां पर भारी नुकसान जो है वो बांबला क्षेत्र में देखने को मिला है। फिलहाल इतने आप देखेंगे, और वो नाली जो है वो बताया जा रहा है कि काफी छोटी है, जिस कारण ये नुकसान जो है वो हुआ है, काफी ज्यादा नुकसान। हाँ जी, पुली की वजह करना होया सारा, पुली 3 फुट सारी है, तो पानी निकासी निकली, कम से कम 20 फुट लंबा पुल होना चाहिए, मलबा सारा जिले बना दे, लोग कुछ नहीं बोले, बड़े इतने ये सुनते भी नहीं गल, जो डंगे मटेरिये लगे सारे बेहे फटी गए, बीआरओ को बोलो। ये देखिए लोगों में जो है वो रोष भी है, और काफी नुकसान जो है वो लोगों को हुआ है। फिलहाल जी तस्वीरों के माध्यम से प्रयास करेंगे आपको दिखाने का कि ये जो नुकसान जो है वो हुआ है, ये बताया जा रहा है कि इसी की वजह से ये नुकसान हुआ है। फिलहाल ये देखिए कि आप देखेंगे तस्वीरों में ये नाला जो है वो इधर से बहता है, और ये बताया जा रहा है कि ये जो पुली बनाई गई है पानी निकालने के लिए, ये कुछ इतनी सी पुली बनाई गई है जिस कारण ये पूरा पानी जो है वो निकला नहीं, और यहाँ पर आगे डंप लग गया, और कुछ लकड़ भी जो है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिस कारण ये छोटे छोटे आप देख सकते हैं लकड़ जो है वो इकट्ठे हुए हैं, और एकदम से जब इसको ढक्कन लग गया जिस कारण पूरा पानी जो है वो यहाँ तक पहुँच गया। वो बड़े बड़े ये पेड़ देख सकते हैं आप, ये चीड़ के पेड़ हैं, ये भी जो है वो नुकसान हुआ है, और बड़े बड़े भारी पत्थर जो है वो इसमें फंसे हैं। एक गाड़ी जो है वो यहाँ पर लगी थी ट्रक, वो देख सकते हैं आप आधे से ज्यादा जो है वो जमीन में धस गया है, और दो पहिया वाहन भी इसके बीच में फंसे हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रियासी जेके न्यूज के माध्यम से, मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहे रियासी जेके न्यूज, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।